मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में नो डाउट आइकॉनिक सीन भरे पड़े हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में ऐसे सभी सीन्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनको तो मल्टीपल मार्वल के ही मूवी से हटा दिया गया, लेकिन अगर वो प्लान के हिसाब से मूवी का हिस्सा होते तो उनका ही काफी बड़ा इम्पैक्ट होने वाला था फ्यूचर की मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। तो उन सभी सीन्स के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा ही लास्ट तक देखना, जहाँ पर आज हम इस वीडियो में ऐसे भी सभी सीन्स को इंक्लूड करेंगे जिनके तो डिलीटेड सीन ऑलरेडी इंटरनेट पर पड़े हुए हैं, लेकिन दो तीन ऐसे भी सीन्स के बारे में हम बात करेंगे जिनको तो सिर्फ प्लानिंग किया जा रहा था लेकिन उनकी शूटिंग बिल्कुल भी नहीं हुई थी। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर देना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर हमारी चैनल आपको इंटरेस्टिंग लगती है तो, और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। साथ ही में फ्यूचर में ऐसी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन को पाने के लिए हमारे चैनल की बेल आइकन को भी हिट कर लेना, और साथ ही में आप अगर इंटरेस्टेड हो मार्वल से रिलेटेड फैक्ट को जानने के लिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी जरूर से विजिट करना, क्योंकि हम रोज ही उसमें काफी सारे मार्वल से रिलेटेड फैक्ट को पोस्ट करते रहते हैं जिनको तो आप बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहोगे। खैर, इसी के साथ ही इस वीडियो को शुरू करते हैं, जहां पर पहली डिलीटेड सीन आती है सीधा ही 2018 की मूवी ब्लैक पैंथर से। वकांडा फॉरएवर की मूवी में भले ही हमने सबसे पहले नेमर को एमसीयू का हिस्सा बनते हुए देखा था, लेकिन इसको लाने की प्लानिंग असल में 2018 की ब्लैक पैंथर से ही की जा रही थी। लेकिन इस चीज के बारे में मार्वल के ऑफिशियल की ओर से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन काफी बड़े बड़े सोर्सेस ने इस चीज को कंफर्म किया था कि वकांडा फॉरएवर से पहले नेमो का टीज हमें इसी वाले मूवी में दिखाया जा सकता था, पर इस वाले सीन को सीधा ही पोस्ट क्रेडिट सीन में टीज किया जाने वाला था, जिसमें कि सबसे पहले हमें ब्लैक पैंथर की थ्रोन को दिखाया जाने वाला था जिसके और वेट फुटप्रिंट से आगे बढ़ती हुई नजर आती, जो कि सीधा ही टीज कर देता इसके ही सेकंड पार्ट में आने के लिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है, इस वाले सीन को शूट भी किया गया था, लेकिन तब के टाइम पर यूनिवर्सल पिक्चर्स के पास नेमर के ही राइट थे। अगर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स उसके बावजूद भी इस वाले सीन को मूवी में ऐड कर देता तो यूनिवर्सल पिक्चर्स सीधा ही एमसीयू को कोर्ट के केस में घसीट सकती थी। तो इसी वाले चीज को ही ध्यान में रखकर उन्होंने इस वाले सीन को हटा दिया और इसको ही रिप्लेस कर दिया वकांडा में बकी वांस के ही सीन से। अगली सीन के लिए मैं सीधा ही आपको लेके चलूंगा इन्फिनिटी वॉर की मूवी में। नो डाउट उस टाइम पर ये मूवी काफी बड़े स्केल पर ही बनाई जा रही थी, और अगर पहली बार किसी स्टूडियो की ओर से इतनी बड़ी मूवी को प्लान किया गया था तो नो डाउट उसमें काफी सारे ऐसे भी सीन्स होंगे जिनको कि अल्टर कर दिया गया होगा। जैसे कि उस टाइम पर तो ऐसी आग उठी थी कि वांडा असल में स्नैप को ही सरवाइव करती, और हॉकआई के रोनिन अवतार को भी इसी वाले मूवी में हम देखने वाले थे, लेकिन बहुत सारे प्लान्स को इस मूवी से डिलीट कर दिया गया, जिसमें कि सबसे बड़ा प्लान था हल्की ही कैरेक्टर को लेकर, जहां पर आपको भी इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा कि ब्रूस बैनर के कैरेक्टर को थ्रू आउट द मूवी जो बिल्ड किया जा रहा था कि इस वाले मूवी में फाइनली हम उसको हल्क में ही बदलते हुए देखेंगे, लेकिन उस वाले आईडिया को एग्जीक्यूट नहीं किया गया, और इसी अनसेटिस्फाइंग सी एंडिंग के साथ मूवी नहीं जाने वाली थी, क्योंकि उस टाइम पर काफी सारे लेगो टॉयज भी लीक हुए थे जिसमें कि हमें पता चलता है कि वाकांडा की बैटल में ही कल ऑब्सिडियन से फाइट करते हुए हल्क बस्टर की आर्मर से ब्रूस बैनर हल्क बनता हुआ बाहर निकलता, और ये वाला डिलीटेड सीन भी प्रूफ के जरिए इंटरनेट पर अभी भी अवेलेबल है जिसको कि आप जरूर से ही चेकआउट कर पाओगे। और सिर्फ ब्रूस बैनर के हल्क को ही बदलते हुए सीन को इसमें नहीं प्लान जा रहा था, बल्कि मूवी के एंड में फाइनली हमें ब्रूस बैनर का प्रोफेसर हल्क में ही ट्रांजिशन दिखाया जाने वाला था, यानी कि एंड गेम की मूवी में जैसे हमें डायरेक्टली प्रोफेसर हल्क को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, उसके ही ट्रांजेक्शन को हम इन्फिनिटी वॉर की मूवी में देखने वाले थे। इस वाले डिलीटेड सीन को भी आप इंटरनेट पे चेकआउट कर पाओगे, जिसमें कि हमें पता चलता है कि वाकांडा बैटल की एंड के टाइम पर हल्क और ब्रूस बैनर मिलके अपने आप में ही समझौता करेंगे और प्रोफेसर हल्क के कैरेक्टर में बदल जाएंगे। इस वाले सीन को भी मूवी से हटा दिया गया था, जो कि अगर मूवी में प्रेजेंट होता तो काफी बड़ा ही इम्पैक्ट डालने वाला था हल्क ही कैरेक्टर के ऊपर। अगले रिलेटेड सीन के लिए सीधा ही हमें टाइम डकैती करते हुए पास्ट में टाइम ट्रेवल करना पड़ेगा, यानी कि सीधा ही हमें जाना पड़ेगा आयरन मैन 1 की 2008 की मूवी की ओर, जहां पर डिलीटेड सीन इसके ही पोस्ट क्रेडिट सीन से जुड़ा है, जिसके कि ओरिजिनल पोस्ट क्रेडिट सीन में तो निक फ्यूरी आते हैं और आयरन मैन को ही कन्विंस करते हैं शील्ड को ज्वाइन करने के लिए, जहां पर उनका आगे जाकर प्लान एवेंजर्स को ही सेटअप करना था और इसी वाले पोस्ट क्रेडिट सीन को ही ग्रीन लाइट दिया गया। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस वाले सीन को असल में डिलीट किया गया था अगर वो इसी वाले मूवी का पार्ट होता तो हो सकता है हम काफी पहले ही एमसीयू का पार्ट स्पाइडरमैन और म्यूटेंट्स को होता हुआ देख सकते थे। जी हाँ, इस वाले सीन में निक फ्यूरी ने इनडायरेक्ट वे में ही मेंशन किया था स्पाइडरमैन को और म्यूटेंट्स को। As if gamma accidents, radioactive bug bites and assorted mutants weren't enough.
लेकिन उस वाले टाइम पर इन दोनों ही कैरेक्टर के काफी ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड से कैरेक्टर राइट्स थे, जिसके चलते ही इस वाले सीन को भी वापस से हटा दिया गया। सिर्फ एक बार के लिए सोचो कि स्पाइडरमैन की राइट को अगर तब के टाइम पर सोनी को ना बेचे जाते और फॉक्स स्टूडियोज को एक्समैन के राइट्स ना बेचे जाते तो 2008 से ही एमसीयू का हिस्सा हम स्पाइडरमैन और म्यूटेंट्स को होता हुआ देख सकते थे। अगर एवेंजर्स मूवी की बात आ ही चुकी है तो चलिए चलते हैं एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन की ओर, जहां पर इस वाले मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में ओरिजिनली हमें थानोस को इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहनते हुए दिखाया गया था, लेकिन डिलीटेड सीन के प्लान असल में दूसरे ही थे, क्योंकि इस वाले पोस्ट क्रेडिट सीन की शुरुआत होती है कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो को ही दिखाकर, जो कि एवेंजर्स हेडक्वार्टर में खड़े हैं, जिनके फ्रंट में हम कुछ एवेंजर्स के कैरेक्टर को देखते हैं, लेकिन बीच में हमें शॉकिंगली एक अननोन सी कैरेक्टर को टीज किया जाता है और इसके अपीयरेंस को देखकर आपने ऑलरेडी आइडिया लगा ही लिया होगा। जी हाँ, ये हमारी एमसीयू की कैप्टन मार्वल ही होने वाली थी, पर क्लियर तरीके से इसके पीछे का रीजन तो नहीं पता है कि क्यों ही इस वाले सीन को हटा दिया गया। लेकिन अगर लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इन्फिनिटी सागा असल में थानोस के बारे में थी, इसलिए मुझे लगता है कि इन्फिनिटी वॉर की मूवी को हाइप्ड अप करने के लिए इस वाले सीन को इसमें ऐड किया रहेगा और कैप्टन मार्वल की प्लांट्स को उन्होंने इन्फिनिटी वॉर तक बचा के रखा, क्योंकि थानोस से बेटर चॉइस कैप्टन मार्वल तो नहीं होने वाली थी। एंड फाइनली आज की डिलीटेड सीन जुड़ी है सीधा ही मल्टीवर्स से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी के बारे में, जो मूवी अपने आप में ही काफी ज्यादा ही बड़ी थी, क्योंकि इस वाले मूवी में मल्टीपल मल्टीवर्सल सुपर हीरोज की अपीयरेंस को प्लान किया जा रहा था, जिन सभी प्लान्स को काफी बार अल्टर किया गया और मल्टीपल सुपर हीरोज के कैमियोस को भी हटा दिया गया। लेकिन ये तो टॉपिक दूसरी है, जिन सभी कैरेक्टर को हमने मूवी में देखा था उसके बारे में ही बात करते हैं। जैसे ट्रेलर में कंफर्म किया गया था कि इल्यूमिनाटी को हम इस वाले मूवी में देखने वाले हैं, लेकिन उन सभी सुपर हीरोज में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था वो असल में रीड रिचर्ड्स का मिस्टर फैंटास्टिक ही था, क्योंकि आज की डिलीटेड सीन सीधा ही इस वाले कैरेक्टर से जुड़ी है, जिसको की पोस्ट क्रेडिट सीन में एड किया जाने वाला था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसकी कोई भी वीडियो प्रूफ हमारे पास नहीं है, बल्कि द डायरेक्ट की सोर्स से इस वाले चीज को कंफर्म किया गया है कि इस वाले पोस्ट क्रेडिट सीन को शूट तो किया गया था लेकिन मूवी में इसको जगह नहीं दिया गया, क्योंकि हो सकता है ये फ्यूचर को स्पॉइल कर देता, जहां पर हमें बताया जाता है इस वाले पोस्ट क्रेडिट सीन में मिस्टर फैंटास्टिक असल में सर्वाइव करता हुआ नजर आता। जी हाँ, पोस्ट क्रेडिट सीन सीधा ही फोकस करने वाली थी बैक्स्टर बिल्डिंग के ऊपर, इल्यूमिनाटी के हेडक्वार्टर के कैमरा से मिस्टर फैंटास्टिक इन्हीं सभी सीन्स को देख रहा होगा, और जिस वाले मिस्टर फैंटास्टिक को हमने असल में मूवी में अपीयर होते हुए देखा था वो असल में इसका कोई रियलिस्टिक क्लोन ही था, और उसी वाले स्क्रीन को वो अपने इलास्टिक हाथों से ही बंद करता हुआ नजर आता। पोस्ट क्रेडिट सीन यहाँ पर तो खत्म हो जाती, लेकिन इससे ही वो काफी सारे पॉसिबिलिटी खोल देती, लेकिन जब तक हमारे पास कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन ना आ जाए इस चीज के बारे में हम कंफर्म होके नहीं कह सकते। खैर, आपने इस वीडियो को कितना ज्यादा एंजॉय किया हमें लाइक करके बता सकते और कमेंट सेक्शन में आपकी फेवरेट डिलीटेड सीन के बारे में भी बता सकते हैं। इसी के साथ ही हम इस वाले वीडियो से यहीं पर विदा लेते हैं, लेकिन किसी दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो में हमारी मुलाकात वापस से होने वाली है ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखते रहिएगा और ऐसे ही मुस्कुराते रहिएगा। बाय।